अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 11, 2 जून 2020 ट्यूसडे। बेटा हम लोगों ने कल जो स्टडी किया था, हम लोगों ने फार्मूलाज पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिसके अंदर हमने मॉलिकुलर फार्मूला पढ़ा था, स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा था, उसके बाद डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पढ़ा था और कंडेंस फार्मूला पढ़ा था। आज का हमारा आर्टिकल है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि इस वक्त हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जितने भी हमारे पास नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वी डिवाइडेड दैम इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। हमने उनको डिवाइड कर दिया है किसी बेसिस की बुनियाद पे, सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे, डिफरेंसेस की बेस पे, के ताकि हमें उनको स्टडी करना, उनको कैटेगराइज करना हमारे लिए आसान हो जाए। जब हम इनकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास इस लिहाज से 2 ग्रुप्स हैं। हमारे पास क्या हैं? 2 ग्रुप्स हैं। वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास वो ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। हमारे पास हैं क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। बेसिकली हमारे पास ये 2 ग्रुप्स और क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हम इनको डिवाइड करते हैं। अब जब हम इनको स्टडी करते हैं 1 बाय 1, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। जब हम उनकी बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द एंड कार्बन आर नॉट ज्वाइंट विद अदर एटम्स, ठीक है ना, विद ईच अदर इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एंड कार्बन जो होती है वो आपस में ज्वाइन नहीं होती, जुड़ी नहीं होती, और क्या करती है वो एक लंबी चेन बना देती है। Joined together in such a way that they form long chains. ये long chains बना देते हैं, क्या करती हैं? वो इस तरह नहीं जुड़ी होती, ये वो इस तरह जुड़ी आपस में, यानी नहीं जुड़ी, जिसकी वजह से क्या तरह रुककर आप साइक्लिक कंपाउंड्स। एक जो है उसको कहते हैं स्ट्रेट चेन और एक को कहते हैं ब्रांच चेन। हमारे पास एन ब्यूटेन है। एक स्ट्रेट चेन
प्राचीन है। सॉरी ब्रांच बनाएंगे, जैसे हमने एन ब्यूटेन की बात की तो हमने उसका तो जब ओपन चेन को हमने बात की जिसके अंदर तो आपस में ज्वाइन नहीं होती है, तो उसके अब टू क्लासेस हो गई, एक स्ट्रेट चेन हो गया और एक ब्रांच चेन हो गया। अब दूसरे की हम बात करते हैं जो हमारे पास है, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। इनके जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन एटम, जो एंड कार्बन एटम होती है वो फ्री नहीं होती, एंड कार्बन एटम फ्री नहीं होती, वो रिंग बनाती है, दे फॉर्म अ रिंग, वो रिंग बनाएंगे आपस में। एंड कार्बन इज नॉट फ्री, फॉर्म रिंग, उसके अंदर रिंग बनेगा जैसे कार्बन रिंग है। अब इसकी भी फर्दर टू टाइप्स हैं, कौन कौन सी है, एक है होमोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक। अब जब हम होमोसाइक्लिक की बात करते हैं तो होमोसाइक्लिक जो है, होमो मीन होता है सेम, यानी ऐसा रिंग जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होगा, जैसे कार्बन रिंग उसमें हर तरफ कार्बन ही होती है, उसके सिक्स कॉर्नर्स पर ही। तो होमोसाइक्लिक ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे ऑर्गेनिक जो के एक ही जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होंगे। इसको मैं अगर मेंशन करूं यहां पे, कंपोज्ड ऑफ रिंग्स, Having same type of atoms, यानी एक ही तरह के एटम्स पे वो रिंग मुश्तमिल होगा, उसके अंदर कोई दूसरा एटम नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं कार्बन रिंग। अब इसकी भी फर्दर टू टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक की फर्दर टू टाइप्स हैं। नंबर वन है एरोमेटिक, और नंबर टू है एलिसाइक्लिक। अब जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक जो है ये वर्ड आया अरोमा से, अरोमा का मतलब होता है स्मेल। इनको एरोमेटिक इसीलिए कहा जाता है कि इनके अंदर एक स्मेल होती है जिसकी वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया है। अब ये मुश्तमिल कंटेन, इनके अंदर कम से कम एक जो है वो बेंजीन रिंग होता है जो सिक्स कार्बन का बना होता है, और उसमें थ्री अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, थ्री अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल यहां पे मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार। यहां पे ये एरोमा से वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है स्मेल, इन कंपाउंड्स के अंदर स्मेल होती है जिसकी वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, और इनके अंदर जो कार्बन रिंग होता है वो सिक्स कार्बन पर मुश्तमिल होता है और उसमें थ्री अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक को एक के बाद एक, उसके बाद डबल। अब ये कैसे होगा ये देखें, ये इसके पास ये कार्बन रिंग है, अब ये कार्बन है यहां पे, ये कार्बन है इसके सिक्स के सिक्स कॉर्नर पे। अगर आप अब अल्टरनेटिव बॉन्ड क्या होंगे, यहां पे इसका डबल बॉन्ड है, यहां पे इसका डबल बॉन्ड है, यहां पे इसका डबल बॉन्ड है, तो तीन इसके क्या हो गए डबल बॉन्ड। इसकी दूसरी एग्जांपल,
नहीं है। इसमें भी इसी तरह डबल बॉन्ड होंगे, आप इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होंगे टू रिंग के अंदर, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है। अब एच साइक्लिक और नॉन बेंजोइक रिंग्स की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं व्हिच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। इनके अंदर बेंजीन रिंग था, इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता उनके मॉलिक्यूल के अंदर, उनको हम कहते हैं बेंजोइड रिंग्स। मिसाल साइक्लोब्यूटेन, एग्जांपल मैं यहां पे राइट करने लगा हूं, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन ये इसकी एक एग्जांपल है। अब ये तो थी दो क्लास, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स की है। फिर उसके बाद हमने कहा कि क्लोज चेन टाइप्स के अंदर जो है वो करते हैं मुश्किल होगा। इसकी जब हमने बात की तो हमने कहा कि टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो है उसकी हमने एग्जांपल देखी, हमने कहा ये बेंजीन रिंग पर मुश्किल होते हैं जिसमें सिक्स कार्बन जो होते हैं अल्टरनेटिव जो होती है उसके ऊपर डबल बॉन्ड होता है, और एलिसाइक्लिक के अंदर हमने साइक्लोब्यूटेन की एग्जांपल। अब हमारे पास लास्ट टाइप रह गई है जिसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं, दैट कंटेन मोर एटम्स देन कार्बन, जिनके पास कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी मौजूद होंगे उनको हम कहेंगे ये हेट्रोसाइक्लिक है, यानी वन टाइप हो गया वह एक जो मौजूद होंगे उनको हम कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है
ओपन चेन पे आ सकता है, स्टेट और ब्रांच चेन पे आ सकता है, यानी इसमें से तमाम के तमाम जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न कर लिया। कोई भी क्वेश्चन होगा आपने